अच्छा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेलो गुलिस्तान लाइव फीड में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेजबान शमीम भट्ट। कैप्शन मैंने आज नहीं डाला क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपको ऐसे एक जो है होनहार लीडर, एक नौजवान लीडर मुदस्सिर तोतरे के साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। मुदस्सिर तोतरे, अब जिस घड़ी की हमें तलाश थी वो घड़ी हमें लगी वो अब बज चुकी है। वो अब जिस तरह इलेक्शन का बपुल नहीं बजा था, अब लग रहा है कि जल्दी जो है अप्रैल मई में यहाँ पे जो है पार्लियामेंट इलेक्शन। बाकी पार्टी जिस तरह पीपल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, बीजेपी की बात करेंगे, चाहे जितनी भी सियासी पार्टी है उनकी लगातार गहमा गहमी जो है वो देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है, आज आपने भी एक वर्कर्स मीटिंग बुलाई है हंदवाड़ा में, क्या कहेंगे आप? देखिए, डेफिनेटली जो बहुत 5 साल से हम जिस दिन का तलाश जिस दिन के लिए हम वेट कर रहे थे, जिस चीज के लिए हम वेट कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए जो घड़ी जो घंटी बजी है, जो अप्रैल में इलेक्शंस होने वाले हैं, उसके लिए एक वेलकमेबल स्टेप है। और डेफिनेटली लोग तो चाहेंगे, क्योंकि लोगों को आदत है, लोगों को बहुत टाइम से, आप लोगों को कितने टाइम तक इलेक्शन से दूर रखेंगे। हमने भी इसी सिलसिले में आज लोला कॉन्स्टिट्यूंसी की मीट बुलाई थी, एग्जीक्यूटिव मीट थी ये, दिस वॉज नॉट अ वर्कर्स कन्वेंशन, दिस एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी। तो इसमें यही डिस्कशन हुआ कि आज तक जिन लोगों ने, सारे लोगों ने वोट डाले हैं 2019 में, जिस बंदे को वोट डाले थे, जिस कैंडिडेट को वोट डाले थे, जिस रिप्रेजेंटेटिव को हमने यहाँ से पार्लियामेंट में भेजा ताकि वो नॉर्थ कश्मीर की बात करे, जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से जीत के गया था, तो हमारी हमेशा से यही डिमांड रहती है कि अगर मोहम्मद अकबर लोन साहब, उनने पार्लियामेंट के लिए हमसे वोट लिए, वो कहाँ है? हम तो उसको ढूंढने निकले हैं, अकबर लोन साहब तो कहाँ है? तो दूसरी बात, अगर दिल्ली से फंड्स आए तो नॉर्थ कश्मीर के लिए वो फंड्स कहाँ चले गए जो पार्लियामेंट फंड्स आए? तो इसके साथ साथ हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, उमर साहब, आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर साहब से कहना चाहते हैं कि अगर आप नया कैंडिडेट लेके आ रहे हैं, पहले पुराने वोटों का तो हिसाब दें। दूसरी बात, जो भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ कैंडिडेट लेके आए, इंजीनियर रशीद के बगैर बात करेंगे, क्योंकि इंजीनियर रशीद ने जब 1 लाख वोट लिए, इंजीनियर रशीद शायद लोगों के बीच में हो सकते थे, क्योंकि वो तो लोगों में ही रहते थे, वो जेल में है अनफॉर्चुनेटली। हम आशा करते हैं एज सुन एज पॉसिबल वो भी अपने लोगों में वापस आए, मगर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो या पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, जिन्होंने भी जिस कोई भी बंदा जब वोट डालता है, इसके लिए ये माने नहीं रखता बंदा जीतेगा नहीं, ये उस अपने कैंडिडेट को वोट डालता है, अपने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के। जिस बंदे ने 1 लाख वोट लिए, सजाद गनी लोन साहब ने एक बार 1,06,000 वोट लिए, क्या सजाद गनी लोन साहब का वो कैंडिडेट जिसको 1 लाख लोगों ने वोट दिया था, क्या वो कभी दिखा? उस इलेक्शन के बाद आज तक लोगों को पता ही नहीं है वो कैंडिडेट कौन था, क्या वो कभी आया उन लोगों से पूछने के लिए कि क्या हुआ, हम आपने तो मुझे चुना था, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं दिया था, तो आप लोगों की मसले जो है, आप लोगों के मसाइल जो है जब वो आजादी कश्मीर में पार्लियामेंट इलेक्शन होते हैं तब लोग जो है इसलिए वोट डालते हैं जो बेसिक फैसिलिटियां होनी चाहिए, रोड रोड की बात करेंगे, हॉस्पिटल एजुकेशन सेक्टर को ठीक करेंगे। आपको लग रहा है कुछ इन सालों में जब से हमारा जो अकबर लोन साहब ये रहा था एमपी रहा था, तो आपको लग रहा था वो कभी कपार आए या कुछ? अब नॉर्थ कश्मीर जिस कपार के लोग चाहते थे, जिस कपार से हम कोई ऐसा शख्स खड़ा करेंगे उसको हम वोट देंगे, क्योंकि आज तक हमने बनाया श्रीनगर का बनाया, बारामूला का बनाया, कि नॉर्थ कश्मीर को अगर कपारा की बात करेंगे दूर दराज डिस्ट्रिक्ट है, तो आपकी पार्टी भी अब उभर के आ रही है, लोगों में ये भी है कि आप नौजवान है, आप लोगों की जो है नौजवान की आवाज जो है वो आप आगे पहुंचाए, अपनी पार्टी जो है आपकी जो पार्टी है पीपल्स नेशनल पार्टी जो है वो भी आप उभर के आ रही है, उस पार्टी क्या? देखिए, डेफिनेटली आप जो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट काम नहीं हुआ है पार्लियामेंट इलेक्शन होने के बाद से, तो मुझे ये बताइए, पहले मुझे बताइए, क्या वो पार्लियामेंट कैंडिडेट हमारा जो पार्लियामेंट मेंबर है, क्या वो कभी पार्लियामेंट में गया? क्या उसने कभी वहां बात की? मैंने तो नहीं देखा एटलीस्ट 5 साल में कभी हमारे पार्लियामेंट मेंबर कभी वहां गए। जब वो वहां नहीं गए तो वो यहाँ कैसे आ सकते हैं, जहां उनकी हाजिरी लगती है, जहां उनकी अटेंडेंस लगती है? जब बंदा वहां नहीं गया, क्या उसने कभी बात की? 370 हटाया गया, क्या उसने कभी बात की? क्या उसने कभी प्रोटेस्ट किया? क्या उसने कंडीशनल रिजाइन कभी किया? नहीं किया। जब वो वहां नहीं गया, उसको फंड जो है वो फंड कहाँ है? तो डेफिनेटली सोचने की बात है, यही तो हम भी सोच रहे हैं कि आज तक जिस भी बंदे को हमने वोट दिया, जिस भी पार्लियामेंट मेंबर को वोट दिया, ये तो वो मूवी के जैसा, जब हम छोटे थे मूवीज देखते थे, नेताजी आते हैं इलेक्शन के दिनों में, 10 दिन घूम के चले जाते, फिर 5 साल के बाद फिर ढूंढने आते थे, तो वही अकबर गनी लोन साहब ने साबित कर दिया। क्योंकि शायद हमें डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के लोगों को इसलिए हमारे साथ ये हुआ क्योंकि हम 85% वोट देते थे, शायद उस चीज का बदला हमें दिल्ली से दिया गया कि ऐसे कैंडिडेट को हम वोट देते हैं और आप लोगों की फैसिलिटीज नहीं होगी। अगर आप लोला कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, आप लोला में देखिए, जहां पे हिंदुस्तान में हर गली गली इस वक्त रोड पड़ रहा है, सारे कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है। मुझे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की बात करें, हंदवाड़ा बस स्टैंड आपके सामने है,
जिसको नॉर्थ कश्मीर का मॉडल बस स्टैंड भी कहा जाता है, इतना पैसा इसके लिए आया है, इतने सालों से लोग इसके नाम पे वोट लेते हैं, तो मुझे बताइए क्या आप किसी भी रास्ते से न्यू बस स्टैंड में एंट्री कर सकते हैं क्या? सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चल रहा है कि बाजार में लोग जा रहे हैं कि किसको वोट दिए किसको, जैसे लोग कह रहे हैं कि हम अकबर लोन साहब को नहीं जानते हैं, हम फलानी को नहीं जानते हैं। अब लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई लीडर आए जो हमारी बेसिक फैसिलिटी जो है जो बेसिक वो हमें दिलाए, क्योंकि हमारी बात भी जो है पार्लियामेंट तक पहुंचे। उस वाले क्या कहते? देखिए आजकल सोशल मीडिया में ये भी चल रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी श्रीनगर से कैंडिडेट लेके आ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद पार्टी यूथ प्रेसिडेंट को लेके आ रही है, उमर साहब को शायद लेके आ रहे हैं। मुझे खुदा के लिए एक बात बताएं, क्या यहाँ नॉर्थ कश्मीर की 16 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हमें हमारी रिप्रेजेंटेशन कर सके? हमें जरूरत क्या पड़ी इन पोलिटिकल पार्टीज को, क्या जरूरत पड़ी कि श्रीनगर से हमारे लिए कैंडिडेट लेके आएंगे? मतलब हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, हंदवाड़ा के लोगों के की बात करने के लिए श्रीनगर से उमर साहब आएंगे, क्यों आएंगे जी? क्योंकि कश्मीर में क्या, नॉर्थ कश्मीर में कोई कैंडिडेट नहीं है। तो आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी होती है। इस बार हमने मैं आपको रोकना चाहूँ, जब भी इलेक्शन होते हैं, असेंबली इलेक्शन होते हैं, डीडीसी बीडीसी सरपंच 95% वोट सिर्फ कुपवाड़ा से पड़ते हैं, तो उसके मामले में हमें क्या मिलता है? मैं वही कह रहा हूँ कि इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया, हम हर गाँव घर घर जाके यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम इस बार कुपवाड़ा से ही कैंडिडेट लेके आएंगे। एटलीस्ट कुपवाड़ा के कैंडिडेट में इतने इतनी सहूलियत होगी, इतना तो वो काबिल होगा कि उसको पता है कि पॉलिटिक्स किसे कहते हैं। अगर नॉर्थ कश्मीर के लोगों को पॉलिटिक्स सीखनी है तो वो कुपवाड़ा से सीखे, क्योंकि हमने हमेशा वोट डाले, हमने हमेशा पॉलिटिक्स की है, हमने बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जैसे प्रोटेस्ट किया नहीं, हमने बायकॉट किया नहीं कभी। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा ने कभी बायकॉट नहीं किया तो हम लोगों को पता है कि पॉलिटिक्स कैसे की जाती है और लोगों के मसले के साथ किया जाता है। खानदानी राज है वो यहाँ पे भी खत्म होनी चाहिए। जब भी कोई किसी का दादा है वो मिनिस्टर रहा, फिर इसका बेटा, फिर इसका बेटा, फिर इसका बेटा, क्या अब वो ट्रेंड कहीं ना कहीं खत्म होनी चाहिए, किसी और नौजवान को मौका देना चाहिए? देखिए जिस देश में चाय बनाने वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, उस देश में हम ये आशा ये क्यों नहीं ख्वाब देखे, ये ड्रीम क्यों नहीं देखे कि एक नॉर्मल बंदा भी पार्लियामेंट मेंबर बन सकता है। मैं वही कह रहा हूं, अगर यहाँ खानदानी राज नहीं चलाना होता इन लोगों को, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स इनको खत्म करनी होती, तो ये मुझे लगता है ये लोग उमर साहब को श्रीनगर से बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कैंडिडेट नहीं लाते। भारतीय जनता पार्टी जहां पे कहती है कि हम ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के खिलाफ है, हम खानदानी राज के खिलाफ है, फिर उनको क्या जरूरत पड़ रही है आजकल श्रीनगर से हमारे लिए कैंडिडेट लेके आने की? डिस्ट्रिक्ट बारामूला कुपवाड़ा बांडीपोरा से कैंडिडेट्स नहीं है। लास्ट पे जाना चाहूंगा, अगर आपको मौका मिला, आपकी पार्टी ने चाहा कि आपको कल मैंडेट मिलता है नॉर्थ कश्मीर के लिए, क्या आपका जो मैनिफेस्टो, हर एक पार्टी के पास मैनिफेस्टो आपके पास क्या हो, क्या आप जिस तरह खामी पीछे जिन्होंने की है अभी तक, बहुत सारी खामियां है उनके पास, खूबी भी है, तो आप क्या लेके आएंगे? देखिए पहली बात, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रहे, मे बी पार्टी से कोई भी कैंडिडेट हो सकता है, इन केस के हमें मैंडेट दिया जाता है, पार्टी डिसाइड करेगी अगर हम जीतते हैं तो पहली बात, मेरा बाप कोई एमएलए नहीं था, मेरा दादाजी कोई चीफ मिनिस्टर नहीं था, हम किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, तो हमें पता है कि लोगों के मसाइल क्या है, हम लोगों के साथ चलते रहते हैं, मेरी भी सिक्योरिटी हुई है, मैं भी सिक्योरिटी लेके नहीं चलता, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं सिक्योरिटी लेके चलूंगा, मैं अपने लोगों में जब सिक्योर नहीं हूं तो मैं लोगों की क्या बात करूंगा? जिस बंदे को, जिस नेता को सिक्योरिटी चाहिए और अपने लोगों में सिक्योरिटी चाहिए, तो वो अपने लोगों से फिर डर रहा है। तो अगर हम लोगों के इन केस लोग चॉइस देते हैं कि पार्लियामेंट मेंबर बनने के बाद हम क्या करेंगे, डेफिनेटली हम लोगों के बीच से ही है, हम लोगों में से ही है, वी आर द कॉमन पीपल, हम उन फैमिली से नहीं है जिनके घर में ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स हो, तो हमें ज्यादा दर्द होगा लोगों का, इंस्टेड ऑफ वो लोग जो बॉर्न विद सिल्वर स्पून है। जिस तरह आज ही से जो है जितने को बोल रहे हैं कि इस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल का भारतीय जनता पार्टी, क्या आपकी पार्टी भी लगातार इस तरह की आप लगातार कन्वेंशन मीटिंग करते रहे? देखिए डेफिनेट कन्वेंशन और मीटिंग से कुछ नहीं होगा, हमारा सिंपल सा है कि हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, हम गांव गांव जा रहे हैं सिर्फ इस चीज के लिए कि लोगों को जगाए, लोगों को समझाए कि करना क्या चाहिए और अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आज तक जो 70 साल से गलतियां हुई है, उन गलतियों का उनका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, हमारी पार्टी इसी काम में लगी है। हम किसी भी चीज को मुसीबत नहीं बनाना चाहते, हम चाहते नहीं कि अलगाववादियत फिर हो, हम नहीं चाहते कि यहाँ टेररिज्म फिर हो, हम यहाँ नहीं चाहते कि मेरा बच्चा स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, जैसे कि ये पॉलिटिकल पार्टियों ने हमारे बच्चों को आज तक फंसाया। हमारी पार्टी नहीं चाहती यहाँ फिर वो ह्यूरत कॉन्फ्रेंस वाला सिस्टम चले। हम चाहते हैं कि एक साफ और शफाफ कश्मीर हो, हम चाहते हैं एक ऐसा नया कश्मीर हो जो सिर्फ
फेसबुक और ट्विटर पे चढ़ाने से नया कश्मीर नहीं बनेगा, श्रीनगर में स्मार्ट सिटी बनाने से हंदवारा बस स्टैंड डेवलप नहीं होगा, श्रीनगर में स्मार्ट सिटी बनाने से राजपुरा राजवार को पानी नहीं मिलेगा, श्रीनगर में स्मार्ट सिटी बनाने से राजवार के लोगों को का रोड जो कटा है वो रोड नहीं बनेगा, जो राजवार के बंगस के लिए जो रोड था जिसको कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ वर्कर्स के बेनिफिट्स के लिए दूसरे रास्ते से नया कंस्ट्रक्शन किया है। हम चाहते हैं, हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो भी है कि लोगों के लिए अमन हो। जो भारतीय जनता पार्टी ने इनिशिएटिव्स दिए थे कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स थे, बट अगर भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर में भी रिप्रेजेंटेशन होती जैसे वो दिल्ली में कश्मीर के लिए सोच रहे हैं, शायद हमारी भारतीय हमारे कश्मीर से जो लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के वो शायद कश्मीर को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। उस चीज की वजह से कुछ ऐसे कानून बनते हैं, कुछ ऐसे मसाइल खड़े होते हैं जो दिल्ली को नहीं पता होता है मगर कश्मीर के हित में नहीं होता। शुक्रिया जाना जी। मेरे साथ मुदस्सिर मुदस्सिर साहब ने कहा कि आने वाले इलेक्शन में ये उनकी पार्टी भी हिस्सा लेंगे और नॉर्थ कश्मीर से उन्होंने भी कहा कि नॉर्थ कश्मीर का जो कैंडिडेट जो होगा वो कपवारा से ही होगा और उसकी पार्टी भी लगातार जिस तरह बाकी पार्टी जो है इस वक्त सरगर्म है कि लगातार वो कन्वेंशन फ्लोर मीटिंग कर रहे हैं तो इसकी पार्टी जो है ये भी लगातार उन्होंने भी शुरुआत किया आज हंदवारा से, कल जो है कपवारा और ललाब से भी इस तरह की कार्रवाई जो है इस तरह की जो कन्वेंशन या मीटिंग करेंगे तो आने वाले दिन में देखेंगे जिस तरह इलेक्शन का बबुला लग रहा कि बच चुका है तो हमें भी इस घड़ी की जो है लोगों को इंतजार था कब वादी कश्मीर में जो है पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ साथ असेंबली इलेक्शन भी होनी चाहिए। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज हंदवारा।